फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। फ्रेंड्स, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेली करें, एक भी दिन आप अब्सेंट नहीं करें एक्सरसाइज को। अगर वैसा ही कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल पाता है एक्सरसाइज के लिए, तो वो अलग की बात है फ्रेंड्स। और अगर आप घर में रहते हैं तो डेली एक्सरसाइज करें। और फ्रेंड्स, जब ये हाथ वाला करते हैं ना एक्सरसाइज, तो पता है यहाँ पे इतना दर्द होता है। 2 से 4 बार घुमाते, मतलब 4-5 बार घुमाते हैं ना यहाँ पे बाजू के पास, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन रुकना नहीं है, कंटिन्यू इसको करते जाना है। थोड़ा रेस्ट करके अगर दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर रुक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ देना है, करना ही नहीं है। यहाँ पे इतना तेज़ दर्द होता है। और यही चीज़ फ्रेंड्स हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी होता है करना। अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हाथ को बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है ना, फिर काम करने लायक नहीं होता है। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस के लिए भी, और शरीर को स्फूर्ति लाने के लिए, फुर्ती बना रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ये पैर वाला एक्सरसाइज फ्रेंड देखिए, जैसे ही हम पाँव को घुमाते हैं ना, तो इसको ज़मीन में नहीं सटने देना है, साइड से ही करना है, ऊपर ऊपर ही करना है। आप कोशिश कर सकते हैं ऊपर से ही करें। अगर ज़मीन में सटता है तो वो थोड़ा कम फायदा करेगा आपको। आप कोशिश करें पाँव को उठा कर ही घुमाएं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा हमारा पाँव और हाथ का ही एक्सरसाइज होता है। क्योंकि देखिए, हमारा वेट भी बढ़ता है तो ज़्यादा कमर और पेट ही निकलता है, और बाजू के पास ही मोटा होता है, तो वहाँ का वेट लॉस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हाथ पाँव वाला ही एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा हम सब के लिए वेट लॉस करने के लिए। ये सबसे अच्छा तरीका है कि हाथ पाँव वाला ही ज़्यादा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज तो वैसे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे आँख का भी एक्सरसाइज होता है, अगर कान में कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी एक्सरसाइज होता है, सर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो उसका अलग एक्सरसाइज होता है ना फ्रेंड्स, सभी को पता है। लेकिन ये वेट लॉस का जो एक्सरसाइज है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाथ पाँव का ही एक्सरसाइज होता है। पता है फ्रेंड्स, पहले हम भी डेली नहीं कर पाते थे एक्सरसाइज। मन तो करता था कि डेली करें, पर होता है ना बहुत कम, कि सोच के ही बस रह जाते हैं और सोचते टाइम निकल जाता है और बस उसको कर नहीं पाते। बस वही हाल मेरा भी था, कभी कभी करते थे, डेली नहीं करते थे। लेकिन जब से इस चीज़ को समझने लगे हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज अब हम डेली करते हैं फ्रेंड्स, एक ज़रूरी काम समझ करके। तो अगर आपका भी मन करता है डेली की करें और नहीं कर रहे हैं, तो आप ना किसी का वीडियो लगा लिया करिए, उसके बाद आपका भी मन करेगा एक्सरसाइज करने का। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है। गर्म पानी ले लिया है हल्का, और इसमें हनी डाल के पियेंगे। और आपको बता दें कि मेरा ये एक्सरसाइज जो है आज हम बाद में किए थे, सारा काम करके, घर का स्नान वगैरह करके बाद में एक्सरसाइज किए थे सेकेंड टाइम में, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आज हमको मौका नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था वो हम अभी आप सबके साथ शेयर करते जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बैठ के आराम से पी रहे हैं पानी के साथ, हनी इसको घोल लिए हैं अच्छे से, और आराम से बैठ के सिप सिप करके इसको पियेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि पानी को भी घुट घुट करके, एकदम थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके पीना चाहिए, गले के अंदर डालना चाहिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, कल था सब्जी मंडी लगा हुआ, तो ये लाए थे वहाँ से ढेर सारा सब्जी, उसमें से ये भी लाए थे कचरी बनाने के लिए। तो हम इनको बता रहे थे कि ये जो है ना पत्ता, ये कचरी खाने वाला नहीं है, ये होता है खाने वाले, इसको भी खाते हैं, पर हम लोग इसको कभी नहीं खाए थे, पर ये खरीद के ले आए थे तो बना दिए। इसी तरह से दूसरा एक पत्ता आता है फ्रेंड्स, उसको बीरा का पत्ता बोलते हैं हम लोग, वो काफ़ी स्वादिष्ट अच्छा लगता है खाने में। और ये जो पत्ता है ना, ये थोड़ा सा खुजलाहट करता है मुँह के अंदर जा कर के, लेकिन ये मान नहीं रहे थे, ये बोल रहे थे नहीं वही वाला है, वही वाला है। तो बस हम तो वैसे बना दिए और खाने में इनको पता चल गया। और फ्रेंड्स, बारिश अभी हम बोल रहे हैं डेली ब्लॉग में कि दिन रात बारिश हो रहा है हमारे तरफ, पूरा रिमझिम रिमझिम, कभी थोड़ा थोड़ा, कभी तेज़ बारिश, ऐसे करके डेली दिन रात हो रहा है। और गर्मी का तो एकदम नामो निशान ख़त्म हो गया है, काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम लगता है अभी। बस वही है कि बाहर का कुछ काम उतना नहीं हो पाता है और बारिश की वजह से। तो फ्रेंड्स, आंचल के पापा का ना आज से स्टार्ट हो गया ड्यूटी, और वो डे हो गया, तो 9 बजे घर से निकलना पड़ता है। देखिए यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं, चावल के ऊपर ही ये थाली में रख दिए हैं, पूरा पत्ती को मोड़ करके इसमें बेसन लपेट दिए थे, और ये पानी के वाष्प से अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ मेरा सब्जी चढ़ा हुआ है, आलू का भुजिया, तो इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू का भुजिया भी आंचल के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, पूरा लाल करके अगर बना तो ये काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है।
इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आलू का भुजिया। और यहाँ पे देखिए इसको काट लिए थे, अच्छे से ये पक गया था, इसको काट लिए हैं और इसको तेल में अच्छे से तल लेंगे, अलट पलट करके अच्छे से लाल कर लेंगे। और इस वाले पकौड़े को फ्रेंड्स हम ना ही धीमे आँच पर पकाते हैं ना ही हाई करते हैं, बल्कि मीडियम पर ही पकाते हैं, एकदम मीडियम पे अच्छे से ये पकते रहता है। तो देखिए एक साइड अच्छे से लाल हो चुका है और दूसरे साइड इसको पलट दिए हैं, तो ये दूसरे तरफ अच्छे से लाल हो जाएगा, फिर इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो हम ये इसको पहली बार, ये वाले पत्ते को पहली बार हम बना रहे हैं। और चावल का पानी देखिए मेरा कैसा पीला हो गया है, क्योंकि पकौड़ी का थाली इसी के ऊपर रखे थे और ना इसका जो हल्दी था थोड़ा बहुत अंदर चला गया है। तो खैर कोई बात नहीं, चावल तो पूरा वाइट ही लग रहा है पर पानी इसका थोड़ा सा पीला हो गया है। और आंचल के पापा ड्यूटी जाने के लिए रेडी हैं, तो आयांश और आंचल का आज छुट्टी है स्कूल में, क्योंकि कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो पढ़ाई करने के लिए स्टडी लीव ये लोग को मिला हुआ है, तो ये दोनों अभी पढ़ाई करेंगे नाश्ता करके। तो आयांश यहाँ पे था तो ये दे रहा है पापा को सामान वगैरह, पानी है और कुछ पेपर वगैरह है इसमें थैले में, और इसका ड्रामा स्टार्ट है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ड्रामेबाज बेटा है, चाहे जितना भी मार लीजिए जितना भी बात कर लीजिए कह लीजिए इसको, बस ऐसे ही करता है फ्रेंड्स, बस क्या करें दिन भर इसका ड्रामा चलते ही रहता है, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या करें आज हमको थोड़ा सा आराम मिल गया है, मौका मिल गया, बच्चे थे घर में तो मन नहीं मानता है, लगता है स्टैंड वगैरह नहीं लगाए तो बच्चे को बोल दें कि थोड़ा सा वीडियो ले लो, बस बच्चे को बोलते हैं, लेना तो नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी मन नहीं करता है ना स्टैंड लगाने का, तो कभी कभी बच्चे को बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे रूम में आंचल के रूम में आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए, तो आज से हमारा रूटीन चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए बच्चे का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहा है, दूसरी बात क्या इसके पापा का भी स्कूल खुल गया और वो डे हो गया, तो टाइम पर खाना पहले बनाना ज़रूरी है। और बस यही सब है फ्रेंड्स, आज का वीडियो का दी एंड अब यहीं पर करेंगे। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो न्यू फ्रेंड आते हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके ऑल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियो को वॉच करके हमसे जुड़े रह पाएँ। तो फ्रेंड्स अब बेड वगैरह ठीक कर लेंगे, आगे का काम करेंगे, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए, बाय बाय।